एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग हैज बीन स्टार्टेड, कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड वेल इन टाइम फ्रॉम देयर कैंडिडेट लॉग इन एरिया फॉर अपेयरिंग इन द स्टेट लेवल ज्वाइंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सेम डेट है 30th जुलाई 2023 को टेस्ट आपका होना है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ होना। आपने क्या करना है, सबसे पहले पंजाब बी एड एडमिशंस डॉट जी एन डी यू डॉट ए सी डॉट इन पर पोर्टल पर, एडमिशन पोर्टल पर जाके कैंडिडेट लॉगिन पर जाके अपना ईमेल यूज़र नेम फिर पासवर्ड फिल कर देना है। कैप्चा जो यहाँ पर नंबर दिया गया होता है और सा होता है, बड़ा तंग करता है, तंग नहीं होना, ठहराव रखना है और ये फिल करके लॉगिन करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ एक डाउनलोड हो जाएगी, उसका एक प्रिंट ले लीजिए। ये प्रिंट निकल आएगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करूंगा। यहाँ राइट साइड लिखा है कैंडिडेट कॉपी, और इसका एक पार्ट आपकी कॉपी है और एक पार्ट यूनिवर्सिटी कॉपी है। ये जो लिखा है लास्ट में, ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉपी लिखा है, यहाँ पर सीजर का कैंची का साइन है ना, यहाँ से कट जाएगा, ये कॉपी उनके पास रह जाएगी, इनविजिलेटर ने ले लेनी है। पर लेकिन प्रोसेस क्या फॉलो करना है उसको पहले समझ लें। ये सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर, एड्रेस, जो कोटा फिल किया था है ना, ये चेक कर लेना है। इंस्ट्रक्शन क्या है आपके लिए, बड़ी इंस्ट्रक्शन जो इम्पॉर्टेंट है, 10:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा, 1 बजे ख़त्म होगा, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे है। 10:15 बजे के बाद अगर कोई कैंडिडेट एंटर होता है, 10:15 के बाद अगर कोई कैंडिडेट एंटर होता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जो ये सेंटर कोड एंड नेम जो भी है आपका, वो अपना स्कूल और एड्रेस पहले से पता कर लीजिए और समय से पहले पहुंच जाइए कि टेंशन स्ट्रेस ना हो जाए और परफॉर्मेंस पर इफेक्ट हो। तीसरी इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट मस्ट कैरी हिज हर एडमिट कार्ड अलोंग विद ए सेल्फ अटेस्टेड additional photograph pasted on lower portion university copy of admit card। इसको समझ ले, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये कहा है कि लोअर पोर्शन, यहाँ पर जाएंगे, लोअर पोर्शन क्या है, यूनिवर्सिटी कॉपी। अब यूनिवर्सिटी कॉपी में यहाँ पर स्पेस दी गई है, यहाँ ये स्पेस आपकी फोटो जो पेस्ट आपने करनी है उसके लिए है। प्लीज पेस्ट हियर ए कलर्ड फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फोटो आपने ये जो अपलोड की है, सॉफ्ट कॉपी जो अपलोड की है, वही फोटो होनी चाहिए और उसको सेल्फ अटेस्टेड आप कर लेना है। यहां पर कैंडिडेट्स सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। दूसरी बड़ी बात कि ये आपने खाली लेके जाना है, यहाँ सिग्नेचर करके नहीं लेके जाने। जब आप पेपर दे रहे होंगे, इनविजिलेटर जो वहाँ टीचर होंगे वो आपके पास आएंगे, उनकी प्रेजेंस में आप सिग्नेचर करोगे और वो सिग्नेचर करोगे, ये दोनों की प्रक्रिया साथ साथ में होगी। कोई एडिशनल फोटोग्राफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिंता होती है, इसको दोबारा समझ लें कि मस्ट कैरी हिज और हर एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड, अपने ही सिग्नेचर करने हैं। एडिशनल फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन लोअर पोर्शन यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, कैंडिडेट विल हैंड ओवर दिस लोअर पोर्शन यूनिवर्सिटी कॉपी टू इनविजिलेटर। ये हो गया, यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है, सीजर यहाँ बनी है तो ये लोअर पोर्शन आपने उनको दे देना है, ये पोर्शन आपके पास रहेगा एज ए प्रूफ। फोर्थ है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एन ओरिजिनल फोटो आईडी। वह आपकी फोटो जो प्रेजेंस है, कोई भी आईडी हो जिस पर आपकी फोटो होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जब आपने जाना है। तो ये दूसरी बात हो गई। कैंडिडेट कैन कैरी क्वेश्चन बुकलेट्स विद देम ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड कार्बन कॉपी, कैंडिडेट्स कॉपी
ऑफ देयर ओएमआर शीट्स, तो ये आपका अधिकार है कि पेपर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद ही वो अपनी जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, वो आप घर ले जा सकते हो। ओएमआर कार्बन कॉपी मिलेगी। ओएमआर पर अभी वीडियो आ जाएगा, काफ़ी बातें हैं ओएमआर कैसे फिल करनी, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा पेन बेटर है ना, कैसे गड़बड़ होने से बच सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, कल तक ही मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका, क्या आप कार्बन कॉपी लेके आओगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है आप मैच कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट फॉलो पंजाब स्टेट कोविड गाइडलाइन, दैट इज़ ऑल। इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो।